मान्यवर 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 कोरोना है, मान्यवर कोरोना है। मोदी जी ने शुरुआत की पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षा पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए, सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठ गए। मान्यवर मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया, मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का। मान्यवर इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर लॉकडाउन का भी विरोध किया गया, मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है भाई। अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को देश की जनता को नहीं है। क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है।
और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारू वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और दो दो बार राष्ट्रपति बनाने का, उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार, ये गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र करकर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। माननीय, ये इसलिए मैं कह रहा हूं अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। माननीय अटल जी, माननीय अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए, ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का। और माननीय मुझे भरोसा है, माननीय मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 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 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। माननीय, पर मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो, ना आप चर्चा शुरू करते हो, ना बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। माननीय
मान्यवर आने वाले दिनों में, मान्यवर आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो, ये साथ के साथ क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी, और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PG की सीटों में 100% वृद्धि करकर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया, मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास में विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर इस चुनाव में पता चल जाएगा, दादा इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर देश की सुरक्षा, UPA की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन
आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा भाई, मत बोलो, वो थक जाएगा, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं देता था। दो बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का काम नरेंद्र। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे, सीडीएस का मसला ये भी आपका शोध था, इंप्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको बाहर उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मान्यवर मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में, इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया, ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर, चार दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करता है। सब भक्त थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि वन पेंशन वन रैंक के अंदर। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन राहत, 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2,00,000 उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख, मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक, भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे, कितना छोड़कर गए थे भाई, 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट करेंगे। मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं, 14 करोड़ लोगों को 6000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। अरे एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी, जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गए एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। माननीय, धान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनंती है ध्यान से सुनिए, धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी। मान्यवर, गेहूं की खरीदी एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाना, और पहले गेहूं 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था, अब गेहूं 43 लाख किसानों का खरीदा जाता है। मान्यवर, मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमारा मखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद 5 साल बाद भी उड़ाएंगे। समझ नहीं पड़ी है मान्यवर, हम कहते थे कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता। अब मैं बताता हूं मान्यवर, मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से मतलब खर्च से लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से से निर्णय। मान्यवर, धान की एमएसपी जो 1310, मैं फिर से एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर दिया। मान्यवर, गेहूं 2013-14 में 1400 रुपया एमएसपी छोड़ कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया एमएसपी कर दिया। हमने गेहूं ज्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज्यादा दिया। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना ही गरीब हितैषी है, ना ही पिछड़ा हितैषी है, उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 अगस्त को परिवारवाद ट्वीट, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। मान्यवर, मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भाई अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से और महान सदन के माध्यम से था। मान्यवर, पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसंख्यिकी बदलने की और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक दिन, एक ही दिन में
सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर PA5 पर बैन लगाकर जेल की सलाखों को पीछे डाल दिया। माननीय देश भर में PA5 को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनेगारों को आज वापस लिया जाता है। NIA के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापस लाए और तवरू राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाए। माननीय विदेश में भारतीय दूतावासों पर लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए वो तीनों मामलों को हमने NIA को सौंपा है। और माननीय लगभग मैं UAPA को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहाँ पर और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, UAPA का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले खिलाफ इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डरने का है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं और एक में भी विवाद नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं हुआ। मान्यवर